फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो चने की दाल घिया वाली होती है, घिया डाल के बनाते हैं, वो बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये मतलब कि बच्चे घिया वगैरह नहीं खाते गर्मियों में, तो जैसे चने की दाल में हम डाल के बनाते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और अच्छी भी लगती है, वो टेस्टी भी लगती है। तो ये मैंने चने की दाल भिगो ली थी 2 घंटे पहले, अच्छे से धो के 2-3 बार। और अब मैंने घिया काट लिए छोटे छोटे, बड़े बड़े कैसे भी टुकड़े काट सकते हैं, क्योंकि दाल के अंदर गली जाती है घिया, तो इसलिए कैसे भी टुकड़े काट सकते हैं। ये 1/2 किलो से थोड़ी ज्यादा घिया है और 200 ग्राम के करीब दाल चने की। दाल भिगोने से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी नरम भी हो जाती है, तो जल्दी बन जाती है, इसलिए थोड़ा भिगोना थोड़ा अच्छा होता है 1-2 घंटे पहले। तो इसमें अब 1 मग्गा पानी डाल दूंगी, ये 1 लीटर का मग्गा है। 1.5 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी डाल दी। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसको कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। आ जाएंगी और 15 मिनट तक पकाना है इसको। 15 मिनट दाल को पका लिया और अब इसका तड़का लगाएंगे चने की दाल और घिया का। अब इसमें स्पेशल निकाल लेते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने तेल डाल दिया है। तड़के में मैंने ये 2 प्याज काट के ले लिए और ये धनिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और ये हरी मिर्च है 6 से 8। ये मेरे को चटपटी और तीखी बनानी है इसलिए इतनी मिर्च दी। अगर आप कम खाना चाहते हो, आपके बच्चे कम खाते हो, तो कम डाल लें। और ये 2 सूखी लाल मिर्च है, 1 ये जो वो होता है कसूरी मेथी होती है 1 चम्मच, ये 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, ये 8-10 करी पत्ता है। ये अगर आप घर में लगे हुए हो तो डाल लें, ये तो कोई बात नहीं, ऑप्शन होता है। और ये 6 टमाटर की प्यूरी बना ली मैंने। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले मैं ये तेज पत्ता डाल दूंगी और ये बड़ी इलायची भी और ये करी पत्ता। अब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाए ये डाल देंगे। अब ये हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई। थोड़ा सा गोल्डन हो गया तड़का, तो अब इसमें सूखा धनिया डाल देंगे 2 चम्मच छोटी वाली। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। अब ये टमाटर की प्यूरी बनाई थी ये डाल देंगे। जो ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच ये डाल देंगे। अभी मसाला पक गया हमारा अच्छे से, अब इसमें दाल डाल देंगे। हमारी चटपटी सी तीखी चना दाल और घिया की दाल तैयार है।
और काफी अच्छी बनती है और बच्चे भी खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि घिया की खाली सब्जी बच्चे नहीं खाते, पर चना दाल में डाल के अगर बनाते हैं घिया की सब्जी तो सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, तो मेरे भी ऐसे ही हैं, तो ऐसे नहीं खाते घिया की सब्जी को, चना दाल में डाल के बहुत टेस्टी बनती है, तब खा लेते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। We'll be right back.